हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू चटपटे स्नैक्स। आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुकी हूँ टमाटर की चटनी बनाने की रेसिपी। तो जब भी आपको समझ में नहीं आता है ना आज क्या बनाया जाए, तो उस दिन आप ये चटनी बना सकते हैं। ये रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका नाम खाली चटनी है, बाकी ये टेस्ट तो एकदम सब्जी जैसी ही करती है। तो आज मैं आपको यही बनाना सिखाऊंगी और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सिर्फ 5 से 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रेसिपी। टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 60 टमाटर ले लिए हैं। ध्यान रखिए एकदम रेड टमाटर आपका यूज़ आप यहाँ पे करें। तो हमने ये 60 टमाटर को एकदम बारीक चॉप करके तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई में डाल देंगे 1 टेबलस्पून तेल। अब तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल हल्का सा गर्म हो जाए, हम यहाँ पे डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। ध्यान रखें प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 1 ही डालेंगे हम यहाँ पे प्याज। हल्का सा प्याज को सॉटे करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, प्याज को सॉटे हल्का सा ही करेंगे। हल्का सा हमारा प्याज सॉटे हो जाए ना, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और साथ ही में हम यहाँ पे डाल देंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई लहसुन। अब इन दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 सेकंड के लिए इनको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे डाल देंगे हमारे बारीक कटे हुए टमाटर। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी 60 टमाटर को बारीक काट के रख लिया था। आप चाहें तो यहाँ पे इसकी प्यूरी, यानी कि प्यूरी नहीं, इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कट करके डालेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा और ज़्यादा अच्छा तभी लगेगा अगर हम कट करके डालेंगे। तो चलिए अच्छी तरह से इसे पका लेंगे, बीच बीच में मिक्स भी करते रहेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे इसे अच्छी तरह से पकने देंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाए, यानी कि जल्दी से पक जाए, इसे हमें ज़्यादा देर पकाना ना पड़े। तो चलिए नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने के लिए। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा लिया, अब फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे मसाले। तो मसालों में सबसे पहले डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे डालेंगे जीरा पाउडर, तो रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर हमने यहाँ पे यूज़ किया है, 1/2 टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे हल्दी और 1/2 टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो ये जो चटनी है ना, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाती है। तो जिस दिन भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि आज क्या बनाएं, तो उस दिन आप ये चटनी बनाएं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए मसालों को अच्छी तरह से हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है, अब फिर से इसे ढक के 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि मसाले भी अच्छी तरह से पक जाए। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डालेंगे शिमला मिर्च। 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ले ली है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे शिमला मिर्च की वजह से कलर तो अच्छा दिखता ही है, साथ ही में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो और शिमला मिर्च का यूज़ हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 2 टेबलस्पून जितना ही करना है। शिमला मिर्च डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून घी। ध्यान रखें घी की वजह से यहाँ पे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ये ज़रूर यूज़ करें। बाकी इसे यूज़ करना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन अगर हो सके, अगर आपके घर पे घी अवेलेबल हो, तो आप घी ज़रूर यूज़ करें। साथ ही में 1/2 टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो एंड में हमने घी और काली मिर्च का पाउडर डाला ना, इससे जो हमारा चटनी का टेस्ट है ना, वो डबल हो जाता है। यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसके ऊपर डाल देंगे धनिया पत्ती और ये लीजिए हमारी जो टमाटर की चटनी है, या टमाटर की सब्जी कह लीजिए, बनके एकदम तैयार है। तो देखा आपने कितनी इजीली 5 मिनट में बनके तैयार हो गई है, और इसे खाने में तो टेस्टी होती है, साथ में बनाने में आसान होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ में अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करना मत भूलना।